बाद दावोस में हो रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हमारी सहयोगी कंपनी बीक्यू प्राइम हिंदी से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि सरकार ने 1,36,000 करोड़ रुपए के एमओयू पर साइन किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र में निवेश के माहौल और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर भी खुलकर बात की। बीक्यू प्राइम और बीक्यू प्राइम हिंदी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीरज शाह है, मैं बीक्यू प्राइम का एग्जीक्यूटिव एडिटर हूं और हम डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कवर कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता है। और इसी के लगते हुए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी। शिंदे जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये ऑब्वियसली हर एक स्टेट मिनिस्टर यहाँ पे आके ये चाहेगा कि यहाँ इन्वेस्टर्स, ग्लोबल इन्वेस्टर्स से बात करें कि उनके स्टेट में क्या हो रहा है और क्यों उन्हें आना चाहिए। तो आपका क्या एजेंडा है डावोस में और डे वन कैसा रहा है अभी तक? बिल्कुल, डे वन अच्छा रहा। और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, ये बहुत ही प्रेस्टिजियस फोरम है जी। यहाँ सब दुनिया भर के लोग आते हैं, जो महाराष्ट्र में नहीं आ पाते वो भी आज मुझे मिले यहाँ पर। और यहाँ पर लोग आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, टेक्नोलॉजी लेके आते हैं। यहाँ पर जो और भी कई इश्यूज है, जो क्लाइमेट चेंज है, स्किलिंग है, ये सब लोग यहाँ मिलते आके, मुझे बहुत लोग मिले यहाँ पर। और लगभग महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट रहेगी, 1,36,000 करोड़ के एमओयू हो जाएंगे आज और कल में। ओके, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ओके, तो आप यहाँ पे 2 दिन हैं, उसमें हाँ मानते हैं कि 1,25-1.5 लाख करोड़ के बीच के एमओयू साइन हो जाएंगे? बिल्कुल, एमओयू साइन हो जाएंगे। कई लोग मुझे मिले, कई उन्होंने मुंबई में आकर भी एमओयू करेंगे, ऐसे भी कहा महाराष्ट्र में आएंगे। कई लोग वहां नहीं आ पाते वो भी यहाँ पर मिले। तो ये फोरम बहुत ही सभी लोगों को एक मिलने का एक बड़ा जरिया है जी। जरिया है जी। जी जरूर जरिया, हाँ। और आपने महाराष्ट्र की एक छवि और एक स्टोरी भी बताई होगी, क्योंकि हिस्टोरिकली महाराष्ट्र का एफडीआई का स्टेक काफी बढ़ा रहा है, लास्ट 2-3 साल में थोड़ा स्पीड ब्रेकर जैसा आ गया था। तो ये क्या बातचीत हो रही है, लोग क्या जानना चाहते हैं कि आप क्या करेंगे? महाराष्ट्र जो है जीडीपी में भी बहुत बड़ा हमारे देश का सपोर्टर है जी, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी महाराष्ट्र आगे है। यस। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी महाराष्ट्र आगे है, क्योंकि महाराष्ट्र में कई ऐसे इंफ्रा प्रोजेक्ट शुरू है, जैसे नागपुर मुंबई समृद्धि हाईवे जिसका नाम है बाला साहेब ठाकरे समृद्धि हाईवे, जैसे सिंगल लॉन्गेस्ट सी लिंक जो है 22 किलोमीटर का मुंबई से लेके रायगढ़ तक चलता है वो, और कई ऐसे रोड्स है, पुणे रिंग रोड है, महाराष्ट्र कई बड़े मेट्रो का 350 किलोमीटर के मेट्रो का नेटवर्क हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि लोगों को बहुत ही सहूलियत हो, सुविधा मिले। और हमारे यहाँ पर यूज पोटेंशियल है फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, वहाँ पर गुड इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्किल मैन पावर है, लैंड है और अच्छा माहौल है वहाँ पर, इसलिए ताकि हमारे यहाँ लोग अभी आना चाहते हैं और हम लोग पूरी तरह उनको सपोर्ट करेंगे। तो किसी ने ये पूछा कि लास्ट 1-2 साल में कोविड की वजह से या जो भी था उसके वजह से जो एफडीआई कम हुए थे, तो आप और क्या करेंगे जिसके वजह से उनका आने का मनोबल या हौसला और बढ़ जाए? नहीं, अभी देखो हमारी गवर्नमेंट चेंज हो गई है। हाँ जी, सरकार नहीं बनाई हम लोग ने, और उसका फायदा हो जाएगा, क्योंकि जो परमिशंस है, जो सब्सिडी है, जो सहूलियत है, वो हम लोग बहुत ऑफर कर रहे हैं, ताकि इंडस्ट्री आए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, और हमारे यहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है जी, उसका फायदा इंडस्ट्री को होगा जरूर जी। एक्चुअली मैं वो एक बात तो कहनी पड़ेगी, क्योंकि रिसेंटली मैंने देखा थोड़े अनाउंसमेंट्स और मैंने यहाँ पे लिखी भी है, हिंदुजा ग्रुप ने 35,000 करोड़ का तकरीबन इन्वेस्टमेंट किया, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने पहले कहीं और स्टेट में डालने वाले थे, बाद में महाराष्ट्र में इन्वेस्ट किया है अपने ईवी प्लांट के लिए भी, और भी होंगे। तो आपने रिसेंटली कॉर्पोरेट सेक्टर का जो एंथुजियाज्म होता है महाराष्ट्र में इन्वेस्ट करने के लिए, वो कैसा रहा है और आपको क्या लगता है 2023 साल में कैसा रहेगा? नहीं देखिए, अभी तो फर्क मालूम पड़ता है, अभी आज ही कुछ एमओयू हो गए, वो इसमें है फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, कई सेक्टर है, उसमें
डाटा सेंटर है और लॉजिस्टिक है, इसमें लोग आ रहे हैं, वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, ताकि उनको भी भरोसा हुआ है, हाँ जी, कि ये सरकार जो गवर्नमेंट है ये प्रो डेवलपमेंट है, प्रो इंडस्ट्री है, और हम तो देखो प्रो पीपल गवर्नमेंट है हमारी, सरकार हमारी इंक्लूसिव और पार्टिसिपेटिव सबको लेके चलने वाली है जी, और इसलिए लोगों को भरोसा चाहिए जी, और भरोसा दिलाने का काम हम लोग करेंगे, और जो हम लोग कमिटमेंट देंगे उनको, जो भी फैसिलिटी है, सब्सिडीज है, उनको जो सुविधा देना है, तो वो निश्चित रूप से हम लोग देंगे जी। आज एक पीडब्ल्यूसी या प्राइस वाटरहाउस कूपर्स का एक ग्लोबल सर्वे था, जहां पे ग्लोबल सीईओज ने रिस्पांस दिए थे, उसमें उन्होंने भारत के लिए दिया ऑफकोर्स, बट मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। तो मोस्ट सीईओज ने बोला है कि वो इंडिया के ग्रोथ के लेके कॉन्फिडेंट है बोल रहे हैं, लेकिन जे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंक काफी ऊपर बढ़ी है, स्टेट्स की रैंक भी ऊपर बढ़ी होगी, लेकिन थोड़ा और करने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड करने की जरूरत है, आपकी क्या राय है इन सब चीजों पे? हाँ बिल्कुल, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये सभी क्षेत्रों में अपने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, हमारी जो इकोनॉमी है $5 ट्रिलियन तक वो ले जाना चाहते हैं, और पिछले 7-8 सालों में देखा है कि जो राज्य देश की अर्थव्यवस्था बहुत ऊंचाई पर ले जाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, देश की प्रगति हुई है, इसलिए तो G20 का प्रेसिडेंटशिप मिला है, ये भी हमारे लिए गौरव की बात है ऑफ कोर्स, और इसमें हम लोग महाराष्ट्र भी पूरी तरह सपोर्ट करेगा, हमारा भी टारगेट है $1 ट्रिलियन तक रीच करने का, तो इसमें जरूरी है कि हम लोग का गोल है ये शिंदे जी? हाँ बिल्कुल गोल है। कब तक का गोल है, मतलब कब तक आप चाहते हैं कि आप पहुंच जाएंगे? अभी ये जो हमारी 2024 तक हमारी सरकार का टेन्यूअर है, हाँ जी, और अगले साल में हम लोग ये टारगेट पूरा करेंगे, और हम लोग बड़े पैमाने पर क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहे हैं, एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं, और जो स्लम्स है उसको रीडेवलपमेंट कर रहे हैं, धारावी बहुत बड़ी, दुनिया का सबसे बड़ा स्लम्स है जी, 56,000 लगभग लोग रहते हैं वहां पर, लाखों लोग वहां पर रहते हैं, और वहां अगर धारावी रीडेवलप होता है तो लोगों का जो जीवनमान है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ेगा, जो एनवायरनमेंट है वो प्रोटेक्ट होगा, हम लोग मैंग्रोव पार्क भी कर रहे हैं, मैंग्रोव पार्क, मैंग्रोव को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं, लगभग 800 हेक्टर मैंग्रोव प्रोटेक्ट किया हम लोगों ने, अर्बन फॉरेस्ट हम लोग कर रहे हैं मुंबई में, लगभग सालाना 2-2.5 लाख एकड़ में सिर्फ मुंबई में अर्बन फॉरेस्ट हम लोग करने का टारगेट हमारा है, क्योंकि फिर बैलेंस रहे जी, जी, जो कभी भी बरसात होती है, कभी बाढ़ आती है, हम लोग इसमें क्लाइमेट चेंज के वजह से हमारी सरकार के माध्यम से हर सालाना लगभग 5-6 हजार करोड़ रुपया वो मुआवजा देना पड़ता है महाराष्ट्र से, कंपनसेशन महाराष्ट्र से लोगों को, किसानों को, हाँ जी, तो अगर ये इसमें हम लोग बहुत काम कर रहे हैं एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, ताकि ये सब पैसे डेवलपमेंट में खर्च हुए, ओके, वेल होपफुली काफी रंग लाएगी ये सब चीजें। 2-3 सवाल और, ये आप इन्वेस्टर्स और बिजनेसेस को तो मिलेंगे ही, इसके अलावा क्या आप पॉलिटिकल लीडर्स को भी मिलने वाले हैं? ये हाँ, बिल्कुल, कई लोग मिले, कल भी मिलेंगे हम लोग, कोई प्लान मीटिंग्स हैं, कोई स्पेसिफिक एजेंडा से मीटिंग्स हैं? लग्जमबर्ग के प्राइम मिनिस्टर्स, कुछ सिंगापुर के कुछ लोग हैं, कई सऊदी के हैं, कई लोग हैं, हम लोग मिलेंगे उनको, यहाँ तो मिलना ही है सब, हाँ जी, मिलने के बाद ही तो सब कुछ होता है जी, जरूर, कई देशों की टेक्नोलॉजी है, हमारे पास मैन पावर है, अगर दोनों एक साथ आ जाते तो जो प्रोजेक्ट है उसे फास्ट हम लोग आगे बढ़ा सकते तेजी से, जो काम 2 साल में करना है वो हम 1.5 साल में कर सकते हैं, 1 साल में कर सकते हैं, उसका स्टेट को फायदा हो जाएगा जी, और स्टेट की प्रगति हो जाएगी, विकास होगा, लोगों को फायदा होगा जी, जरूर। अब चिन्हे जी, एक मैं मुंबई का हूँ, 43 ईयर्स से बम्बई में ही हूँ, अच्छा, तो एक सवाल एक मुंबई करके हिसाब से आपको पूछना चाहूंगा कि काफी कई बार एक मुंबई कर को लगता है कि भाई बॉम्बे या मुंबई इतना सपोर्ट करता है नेशनल इकोनॉमी को, महाराष्ट्र इकोनॉमी को, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड क्यों बराबर नहीं हो रहा है, हमेशा रोड्स खुदे हुए क्यों होते हैं, पॉटहोल्स इतने क्यों होते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो इंडिया की कैपिटल सिटी और महाराष्ट्र की भी
एज अ प्रिंसिपल सिटी है। तो मैंने अभी 10 दिन पहले एक आर्टिकल देखा था जहां पे लिखा था कि भाई जिसने वो ट्वीट किया था वो बोल रहा था कि भाई मैं 2023 का साल चाहता हूँ जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि 2023 के एंड में मुंबई में 6 या 7 बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे और मुंबई एकदम कंप्लीटली नया शहर दिखेगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके नजरिए से मुंबई अभी जो है वर्सेस 2-3 साल में या 2024 में जब इलेक्शन होगा तब कितना डिफरेंट होगा? सरकार हमारी नई सरकार है। हाँ जी। और हम मुंबई को भी बदलाव चाहते हैं। ओके। क्योंकि हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है। हाँ जी। जो कि कई सालों से जो गड्ढे उनका मुकाबला फेस करना पड़ता था लोगों को, जी हम लोगों ने उसको कॉन्क्रिटाइजेशन करने का डिसीजन लिया है। ओके। अभी कम से कम 6,000 करोड़ के टेंडर निकल चुके हैं और बाकी जो बचे हैं उसके भी निकलेंगे। अगले 2 साल में 2.5 साल में पूरी तरह कंप्लीट मुंबई विल बी पॉटहोल फ्री। वाओ, हमारा ये मकसद है। और सिर्फ मकसद नहीं, उसे हम लोग पूरा करेंगे। मुंबई को ब्यूटीफाई करेंगे, उसका काम शुरू हुआ है। हेल्थ वाइज जो जैसे झुग्गी झोपड़पट्टी है उसमें अपला दवाखाना, बाबा साहेब ठाकरे अपला दवाखाना, उसमें डॉक्टर वगैरह सब है, फ्री दवाई मिलेगी, फ्री चेकअप होगा, 147 टाइप के टेस्ट फ्री हो जाएंगे। वाओ। हेल्थ वाइज भी हम लोग चाहते हैं एसटीपी सीवरेज जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो जैसे समुद्र में विदाउट ट्रीटेड वाटर छोड़ते वो अभी बंद हो जाएगा, उसका भी काम शुरू हो जाएगा। ताकि मुंबई में देखो, मुंबई इंटरनेशनल सिटी है जी, मुंबई एक इंटरनेशनल हब है, फाइनेंशियल हब है, मुंबई इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया है। तो मुंबई में तो देशवासी तो आते हैं लेकिन दुनिया के लोग भी आते हैं। तो मुंबई एक ऐसा शहर है वो दिन रात चलता है, 24/7 मुंबई चलती है। और इसीलिए मुंबई को हम लोग ने फोकस किया है सुधारने के लिए, उसमें बदलाव, वहां सुविधा देना है हमें लोगों को। हाँ जी। पैसे है कॉरपोरेशन के पास, अगर लोगों को हर साल गड्ढों का सामना करना पड़ा जी, गड्ढों में कई एक्सीडेंट होते हैं, लोगों को परेशानी होती है, कई लोगों की डेथ हो गई है, तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। अभी हम लोग सरकार में आए, निश्चित रूप से हम आप देखेंगे मुंबई में बदलाव, आप निश्चित रूप से देखोगे। सुपर। और मैंने ये भी देखा है कि आपने पर्सनली एक आई थिंक 1700 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है फॉर ब्यूटिफिकेशन ऑफ 500 odd spaces। बिल्कुल, जो काफी इनोवेटिव प्रोजेक्ट है, शुरू हुआ है। हाँ जी। 1700 करोड़ का 500 जो स्पॉट आइडेंटिफाई किए, और भी जहां जहां करना है वो भी करेंगे। जी जरूर, बिल्कुल करेंगे। वहां पर एसटीपी 28,000 करोड़ के, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथों से उनका भूमि पूजन होगा, ये मुंबई को हम लोग एकदम स्वच्छ सुंदर करेंगे। जी जरूर। अच्छा, क्योंकि लोगों को ऐसा ना लगे कि मुंबई का इंटरव्यू है। मैं नहीं, मुंबई हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए बहुत ही मायने, जी जरूर मायने रखती है। ऑफकोर्स। मेरे आखिरी 2 सवाल है, जैसे कि एक, क्या आप हमें, मैं वापस ध्यान केंद्रित करूंगा ये डावोस की मीटिंग पे, क्या आप हमें बता सकते हैं कि किन किस्म की कंपनियों ने बोला ये महाराष्ट्र में इन्वेस्ट करने के लिए कोई? बिल्कुल, अभी मतलब डेटा सेंटर है, फार्मास्यूटिकल है, लॉजिस्टिक हब है, इसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, रिन्यूएबल एनर्जी है, कई लोग आज मिले मुझे और वो इस सभी सेक्टर में हमारा इंटरेस्ट है बता रहे हैं और एमओयूज कर रहे हैं। ओके। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि उनको भरोसा चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट देने वाली सरकार अभी वहां है। हमें केंद्र सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी सपोर्ट है डेवलपमेंट के लिए जी, वो भी हमें फंड प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर जिस स्टेट का अच्छा होता है तो उसका विकास तेजी से होता है। और इसीलिए अभी जो एमओयूज हो जाएंगे उसमें लगभग 60-70 हजार लोगों को नौकरियां भी मिलेगी। नाइस। हम लोग स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो है उसको बहुत ही एक्टिव कर रहे हैं, उसका स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, वही उसी के माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारा स्टार्टअप जो है, स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहे हैं हम लोग, हैंड होल्डिंग देंगे, इंसेंटिव देंगे, उनको इनोवेटिव आइडियाज देने के लिए हमारी सरकार कोशिश करेगी, ताकि उसमें भी यूथ को बहुत काम मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का हमारा एक टारगेट उद्देश्य है, इंक्लूसिव ग्रोथ जिसे कहते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ। मेरा आखिरी सवाल है, आप
भारत देश और दूसरे देशों के बीच में कड़ी बनने की भी कोशिश कर रहे हैं बाय एनी चांस? क्योंकि आप काफी पॉलिटिकल लीडर्स को मिलेंगे, काफी कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट्स को भी मिलेंगे, और कई ट्रीटीज जैसे कि इंडिया यूके रिलेशनशिप या और कोई रिलेशनशिप काफी इंपॉर्टेंट है, तो क्या आप वो कड़ी बनने की कोशिश कर रहे हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, हाँ जी, अभी उनका तो सारे विश्व में एक नाम है हमारे देश का, हाँ जी, और सभी देशों के साथ उनके अच्छे संबंध बनाए रखे। वैसे टेक्नोलॉजी वाइज ऐसे नई नई टेक्नोलॉजी है कई देशों जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, और इसमें क्या है हमारे स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे स्टेट को विकास की ओर ले जाने के लिए कई राज्यों के और या देशों के जो प्रमुख लोग हैं उनसे भी हम लोग शेयर करेंगे, आइडियाज उनकी भी लेंगे जी, तो निश्चित रूप से फायदा होगा, उनको भी होगा, हमको भी होगा, देश को भी होगा। ग्रेट, नेशन फर्स्ट जैसे आपने कहा, नेशन फर्स्ट। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, और शिंदे जी आपसे सर पहली बार बात हो रही है, बात करके भी बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है कि आगे बात होती रहेगी। हमारे साथ आज जुड़ने के लिए धन्यवाद, और डावोस में महाराष्ट्र की प्रगति के कॉन्वर्सेशन के लिए बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू सो मच, और दर्शक हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।